एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते आज हम बात कर रहे हैं गांव के जलाशयों की। जलाशय भी गांव की एक मूल समस्या है। गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पहले तो जनसंख्या को देखते हुए गांवों में तालाबों व पीने के पानी की समस्या है। अगर जहां कहीं तालाब और हैंडपंप भी लगे हुए हैं तो वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की अनदेखी के कारण तालाब सूखते जा रहे हैं और समय पर फंड न मिलने के कारण खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। लेकिन ग्राम प्रधानों के अथक प्रयास द्वारा गांव में पेयजल के लिए हैंडपंप भी लगवाए जाते हैं। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक अलीपुर में बुडीना कला गांव पड़ा। लगभग 9000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सचिन कुमार हैं। लगभग 5200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 66 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए तथा गांव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों के लिए कोई विद्यालय नहीं है, जो गांव में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 400 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर, 6 सोलर लाइट व 90 स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 18 खडंजे, 4 सीसीटाइज रोड, स्कूल व पंचायत घर की बाउंड्री, नालियां, पुलियां, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 147 शौचालयों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, पानी की टंकी, स्टेडियम, बारात घर, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 आवास, सीसीटाइज रोड, पशु स्वास्थ्य केंद्र तथा शमशान घाट के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान बुडीना कला सचिन कुमार, तहसील मुजफ्फरनगर, जनपद मुजफ्फरनगर, बगरा ब्लॉक, थाना तिताली। मैंने अपनी ग्राम पंचायत निधि से जो काम कराया है उसमें लगभग 12 गड़ुंचे नया निर्माण है और 6 गड़ुंचे मरम्मत कार्य है। उसके अलावा 4 सीसी और स्कूल के फील्ड की बाउंड्री चारों तरफ की वॉल पेंटिंग कराई उस पर, और हमारा जो पंचायत घर था इसका राजीव गांधी उसमें था, उसमें सारे में खड़ंजा कराया। उसके बाद में 6 सोलर लाइट लगवाई और बिजली की 90 लाइट लगवाई, 2 नाले बनवाए, पुलिया बनवाई और 150 के लगभग शौचालय बनवाए। ये काम हमने अपने इस विकास में कराए अपने गांव में। उसके बाद में जो हमारी डिमांड है गाँव की, काम बहुत है और काम बहुत होने के साथ साथ में उसके लिए पैसा काम को देख कर बहुत कम है। हम चाह रहे हैं, एक तो हमारे गांव में कोई पंचायत घर नहीं है, पंचायत घर के साथ साथ में ना जो पशु चिकित्सालय है ना ये है, और जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वो काफ़ी दिन से जो बिल्डिंग बनाई गई थी करीब 15 साल पहले, उसमें एक भी दिन वहाँ पर रास्ता नहीं है जाने के लिए, वो डेड पड़ा उनका नहीं, उसमें भी उसकी दोबारा बनाया जा और उसके लिए रास्ता में सुचारू करा जा। और एक गांव में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी हमारे यहाँ का बहुत ख़राब है, नदी पास में होने की वजह से बहुत कम से कम एक टंकी की डिमांड भी रख रखी हमने बहुत काफ़ी दिन से, वह हमारे गांव में टंकी लगवाई जा। उसके बाद में एक फील्ड है हमारा 24x24 बीघे, उसे स्टेडियम के रूप में हम डिमांड कर रहे हैं अपनी, वो करा जा। और बहुत रास्ते हैं जो अभी कच्चे हैं, वो कच्चे रास्ते सारे के सारे पक्के कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करेंगे। और उसके साथ साथ में जो पुराने खड़ंजे हैं, बहुत पुराने, कम से कम भी 40-40, 35-35 साल के खड़ंजे पुराने हैं जो अब तक का
मरम्मत किसी से ने नहीं कराई, तो वे सारे के सारे मरम्मत में कुछ नया निर्माण करा जा सीसी का, ये हमारी डिमांड है। इस काम को कराने के लिए मैं अपनी राज्य सरकार और अपनी केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा इसमें सहयोग करेंगे पूरा पूरा। मैं दो चीज़ और है जो बहुत मेन चीज़ है, एक तो हमारे गांव में बारात घर की बहुत ज़्यादा विशेष ज़रूरत है, और दूसरी जो उससे भी बड़ी ज़रूरत है, हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है और शमशान घाट की बहुत बहुत ज़रूरत है, वो हमारी पूरी करी जाए। मैं सरकार से निवेदन करूँगा, अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इन ग्राम पंचायतों को बहुत उसमें रखे अपने और इनमें विकास कराने में सहयोग करें। हमारे गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र की बहुत ज़रूरत है, और जिस भवन में वे रह रहे हैं वो बहुत भवन बहुत पुराना हो चुका और वो नया कराया जाए, ये भी हमारी डिमांड है अपनी सरकार से। उसके साथ साथ में आवास विकास, आवास की ज़रूरत है, कम से कम 50-60 इतने गरीब परिवार मेरे गांव में है जिनके सर पे छत भी नहीं है, उन्हें आवास मुहैया कराया जा। और एक बात और, पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन, ये पेंशन मुहैया कराई जा। हम भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे से होगा हम करेंगे उनके लिए। उसके साथ साथ में एक परेशानी थी जो हमारी पिछली सरकार में थी, और हम चाहते हैं कि इस सरकार में हमारी वह परेशानी हटाई जा। परेशानी यह है उसमें कि जो विधवा पेंशन है उसके साथ साथ में, विधवा पेंशन के साथ में वे क्या था उसमें, अगर जिनके लड़के बालिक हो उन्हें पेंशन की श्रेणी से बाहर कर दिया जा था, और आज भी यही बात है उसमें। भाई हम मान गए एक विधवा है, विधवा के बच्चे बालिक हो गए, बालिक होने के बाद में कुछ बच्चे ऐसे भी है जो अपने माँ बाप को, अपनी माँ को मतलब उसमें नहीं उसका देख रेख कर सकते, और वे भी उसी श्रेणी में ले दिए। बच्चे तो बालिक हो गए लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही, तो हम चाहते हैं अपनी सरकार से कि इसे हटाई जा, जो विधवा है उसे पूरी पेंशन दी जा, उसके बच्चे बालिक हो या ना हो। ऐसे ही विकलांग पेंशन में भी उनकी बनाई जा, और वृद्धा पेंशन का भी। वृद्धा पेंशन में ऐसा है कुछ बच्चे बालिक है वे अपने माँ बाप को नहीं रखते, तो वृद्धा पेंशन में भी या रोक हटाई जा कि जिसके लड़का बालिक हो गया तो वो पेंशन का उसे बाहर कर दिया जा। ऐसा या सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इसे हटा दे। यहाँ पे पानी की समस्या के लिए दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे गली इतनी गहरी है और नाले हटे हुए हैं, यहाँ पे पानी भर जाता है बरसात में, तो यहाँ पे 4-5 मकान तक पानी भरता है मकान के अंदर। यहाँ पे बाल बच्चों का, लेडीज का सामान लेकर ऊपर कूड़ा लेकर निकलना दूभर हो जाता है, तो हमारी गुजारिश यही है कि इसका निवारण कराया जाए। मैं सुनील शर्मा, प्रेस रिपोर्टर, गांव बुढ़ीना कला। यहाँ पे कई ग्राम प्रधान बन भी चुके, कहीं से बोल भी दिया, लेकिन आज तक इस गली का कोई निवारण नहीं हो पाया। यहाँ इतनी बुरी हालत है कि लोगों के घरों में, पूरी गली में पानी भर जाता है जब बारिश होती है, ये नाला रुकने के कारण। तो हमारी यही है बस गुजारिश कि इस रास्ते का समाधान होना चाहिए, इस पूरे गाँव में सबसे गंदा रास्ता है ये। ग्राम बुढ़ीना कला, जिला मुजफ्फरनगर। हमारे जो गांव के प्रधान जी है बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत तरीके से कर रहे, इनके काम में कोई वो नहीं है त्रुटि, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं। लैट्रिन भी बनवा रहे, पेंसिल भी बनवा रहे, और अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इनकी तरफ से।